हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे जॉब इनलार्जमेंट के बारे में, क्या होता है जॉब इनलार्जमेंट और उसके मीनिंग और रिलेवेंस के बारे में पढ़ेंगे। जॉब इनलार्जमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ अ जॉब बाय एडिंग मोर टास्क टू इट, द रिलेटेड टास्क आर कम्बाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनलार्ज का मतलब होता है कुछ बड़ा करना, कुछ लंबा करना, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कुछ इनलार्ज की बात करते हैं तो आपकी जॉब में कुछ काम को और डाल दिया जाता है, ठीक है, आपको और ज़्यादा वर्सेटाइल बनाने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर बन जाओ, ठीक है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि आपको, आप जो जॉब कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जो जॉब है उसमें और चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं जॉब इनलार्जमेंट। मतलब जो आप जॉब कर रहे हैं उसी से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, अलग से नहीं है, ठीक है, जो उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको दे दी जाती हैं। तो एग्जाम्पल के तरीके समझते हैं, इन अ कंपनी देर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ सेल्स पर्सन फॉर द थ्री डिफरेंट सेल्स फंक्शन, नेमली ऑर्डर डिलीवरिंग एंड द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस। अंडर द जॉब इनलार्जमेंट ऑल द ग्रुप आर मर्ज टुगेदर सो दैट एवरी सेल्स पर्सन परफॉर्म ऑल द थ्री फंक्शन। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो कोई एक कंपनी है, वहाँ पे तीन अलग अलग लेवल पे सेल्स, मतलब तीन अलग अलग ग्रुप में सेल्स के लोगों को रखा गया है और उनका काम क्या करना है, कोई सेल का काम देखता है, ठीक है, कोई सर्विस का काम देखता है, कोई बुकिंग का काम देखता है। पहले बुकिंग हुआ, सेल्स हुआ, सर्विस हुआ, ठीक है। तो अब उसको इनलार्जमेंट में क्या किया जाएगा कि अब सबसे कहा गया कि आप तीनों लोग एक ही काम देखोगे। मतलब अब जैसे तीन लोग थे, तीनों को कहा गया कि सब काम आपको देखना है, ठीक है। पहले हर एक आदमी एक एक काम कर रहा था, अब हर एक आदमी तीनों काम करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब एक ही बंदा जो केवल ऑर्डर लेता था, अब वो सीख जाएगा कि कैसे कोई आफ्टर सेल सर्विस देनी है, वो समझ जाएगा कैसे प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है, और जो डिलीवरी वाला बंदा था वो सेल्स भी सीख जाएगा और आफ्टर सेल सर्विस सीख जाएगा, और जो सेल सर्विस वाला बंदा था वो बेचना भी सीख जाएगा, ऑर्डर लगाना भी सीख जाएगा। तो कंपनियाँ ये सब करती रहती हैं ताकि आप एक्सपर्ट हो जाएँ, और इसका एक कारण ये भी होता है कि कंपनी आपको ये सब काम सिखा देती है इसलिए कि कभी कोई बंदा नहीं आया तो उसकी वजह से कोई कंपनी का काम ना रुके। आप सब चीज़ में एक्सपर्ट रहोगे तो कम से कम कंपनी का काम चलता रहेगा। तो इसीलिए कंपनी जॉब इनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आती है। तो ये देखिए, इसका फिगर भी हम लोगों ने बनाया है। तो जॉब इनलार्जमेंट में कैसा है, ओरिजिनल जॉब है, बगल में देखिए लाइन ऐसे डॉट 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 बन गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी जाती हैं, ठीक है, आपको काम और ज़्यादा दे दिया जाता है सिमिलर नेचर का। तो बार बार सिमिलर नेचर मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि सिमिलर नेचर का काम ही दिया जाता है, नया काम नहीं दिया जाएगा आपको कि आप वो काम कर ही ना पाओ। तो आपको सिमिलर नेचर का काम दे देंगे ताकि ईजिली आप उसको कर सको। तो जब भी जॉब इनलार्जमेंट का आंसर लिखिए तो उसमें ये फिगर ज़रूर बनाइए, तो इसमें आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं रिलेवेंस, क्या इंपॉर्टेंस है जॉब इनलार्जमेंट का, ठीक है। तो रिलेवेंस मतलब इम्पॉर्टेंस होता है, तो इम्पॉर्टेंस देखते हैं। जॉब इनलार्जमेंट रिड्यूस द मॉनेटरी एंड बोर्डमोन बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉई अ मोर कंप्लीट और अ होल जॉब टू डू। तो इसमें क्या होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी का जो एक कॉस्ट होता है वो कंपनी का बचने लगता है, ठीक है। कंपनी अपने कॉस्ट कटिंग के लिए भी ऐसा काम करती है क्योंकि पैसे बच रहे हैं ना कंपनी के, आप सारा काम कर दे रहे हो कंपनी का, ठीक है, कंपनी को नया बंदा हायर नहीं करना पड़ रहा है। तो कॉस्ट कटिंग तो कंपनी की होती है और साथ ही साथ एक बंदे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उसके बाद क्या है, इट हेल्प टू इंक्रीज द इंटरेस्ट इन वर्क एंड एफिशिएंसी। तो एम्प्लॉयज़ के अंदर वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि वो और भी ज़्यादा काम सीख लेता है, तो फ्यूचर में उसको बहुत अच्छा बेनिफिट ही मिलता है कि वो काम सीखा रहता है तो ईजिली उस फील्ड में स्विच कर सकता है या फिर उससे कुछ अच्छा कमा सकता है, और उसका इंटरेस्ट भी काम में जागता है कि हाँ चलो कम से कम ऐसी कंपनी है कि जहाँ पे हम कोई भी काम सीख रहे हैं, ठीक है, नया काम भी सीखने को कंपनी हमको अपॉर्चुनिटी दे रही है, ठीक है, उसको अलग से कहीं इंस्टीट्यूट जाके सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी कंपनी में काम करके सीख जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, इट ऑल्सो अ मैथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग मोर वर्सटाइल एम्प्लॉई। तो ये एक ऐसा मैथड है कि अपने एम्प्लॉयज़ को हम ज़्यादा वर्सटाइल बना सकें, वर्सटाइल मतलब ऑलराउंडर बन सके हमारा एम्प्लॉई, कोई भी काम अगर कोई भी एम्प्लॉई ना आए तो वो काम उस चीज़ को वो हमारा एम्प्लॉई कर दे। तो वर्सटाइल बनाने का एक तरीका भी होता है जॉब इनलार्जमेंट। उसके बाद क्या है,
Job enlargement required long training period and there are more tasks to be learned. तो जॉब इन्लार्जमेंट जो होता है ये थोड़ा समय लेता है, आप तुरंत ही कोई काम नहीं सीख जाओगे, किसी भी कंपनी में अगर आपको प्रैक्टिकली काम कराया जाता है थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अच्छा प्रोसेस इसलिए माना जाता है क्योंकि आप कोई काम सीख लेते हो तो कल को कोई एम्प्लॉई नहीं आता है, छुट्टी भी चला जाता है या फिर कंपनी छोड़ देता है, तो एक पर्टिकुलर एक छोटे समय के लिए आप वो काम संभाल सकते हो, तो इसलिए हर एक कंपनी जॉब इन्लार्जमेंट तो करती ही है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।